You just wait, mama. Biscuit. Oh. गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है संडे, आज हम लोग बाहर निकले हैं आप बिरसा मिल के। तो हम लोग जा रहे हैं बानेरघट्टा जू, तो वहाँ पे तो बहुत कुछ है। अभी भी फर्स्ट टाइम जा रहा है तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी अभी वो सब एनिमल्स बर्ड्स सब सीख रहा है, देख के पहचान रहा है। तो जाते हैं, यहाँ से आधे घंटे का रास्ता है हमारे घर से, फिर जाके वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं बानेरघट्टा नेशनल जू। तो ये लेफ्ट लेके ही हम लोग का पार्किंग आ जाएगा, पार्क करके चले जाएंगे सीधा अंदर। वेट मम्मा। तो हम लोग आ गए हैं। बिलून। चलो 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 चलो। बिलून। बिलून वेयर? वेयर बिलून मम्मा? तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम आ गया है, अभी ब्रेकफास्ट करके फिर अंदर जाएंगे, टिकट भी काटना है। तो टिकट भी खरीद लिए, अभी एसी सफारी लिए है जीप का, अभी अंदर जाएंगे। बट हम लोग का सफारी 12 o'clock से था, तो अभी थोड़ा टाइम है, तो हम लोग सोचा कि जू भी पहले घूम के आ जाते हैं और बाद में सफारी में जाएंगे। तो अबीर को लेके अभी जा रहे हैं अंदर, देखते हो कितना एक्साइटमेंट दिखाता है अंदर जाकर। चलो हाथ दिए देखो ताला आसबे, हाथ दिए देखो एरम आय आय बोलो। हम लोग तो स्टार्ट कर दिए थे 9:30 को घर से, तो इसलिए अभी थोड़ा आपको खाली खाली दिख रहा है। बट एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, तो जितना देर से आएंगे उतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्रेफरेबल मैं तो बोलूँगा कि 9:30 को ही निकलना सही है। तो यहाँ पे उसको थोड़ा मंकी दिखा दिया, क्योंकि वो दिन भर मंकी ही करता रहता है घर में, तो इसीलिए पहले ही मंकी दिखा दिया उसको। अभी आ गया टाइगर, उसका एक्सप्रेशन दिखे टाइगर देख के, बाप रे, सिर्फ हलूम हलूम कर रहा था टाइगर देख के। और सच में बहुत बड़ा है ये, एक्चुअली बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर है, तो इसलिए इतना बड़ा है। नॉर्मल टाइगर थोड़ा सा छोटा होता है डेफिनेटली। तो टाइगर के बाद आ गया बियर, देखिए बियर को क्या कर रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर। अब आ गया हाथी, बाप रे देखिए। अभी उधर ही खड़ा हो गया था कुछ देर के लिए सिर्फ हाथी देखने के लिए। ऐसे भी सफारी में हम लोगों को हाथी फिर से दिखने को मिलेगा, बट यहाँ भी आवीर बहुत एक्साइटेड था हाथी देखने के लिए। वही देखो उठे चला है उनका। हाय लायन। कम सबाई कम। वही देख कुछ। Thank you.
মামা কি দেখছো তুমি পিকক কি দেখছো দেখি ওই দেখো ওই পিকক কাম আজ অবধি কোনোদিন পিকক প্যাক প্যাক করেছে तो हम लोग का जू थोड़ा खत्म हुआ है, उसके बाद अभी सफारी का टाइम है 12 बजे से, तो हम लोग वो पहले कंप्लीट करके आएंगे, फिर से इधर से कंटिन्यू करेंगे। पार्क भी जाना है। हाँ, बटरफ्लाई पार्क भी जाना है। अभी बहुत एक्साइटेड हो गया सारे एनिमल्स देख के। अभी बुक्स में पढ़ रहा था ना, पिक्स देख रहा था, अभी रियलिटी में देख रहा है, बहुत एक्साइटेड हो गया है। মামা তুমি কি কি দেখেছো? পাখি আর ম্যাও, লায়ন দেখেছো, আর টাইগার, হিপ্পো, মাঙ্কি, আর কি দেখেছো? দাদা একটা ছবি তুলে নি। তো ইয়াহাঁ পে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ বার্ডস থা। हम लोग का सफरी का टाइम हो गया, ये था हम लोग का गाड़ी जिसमें हम लोग जाने वाले थे। तो हम लोग का स्टार्ट हो गया सफरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ ये गाड़ी घिरा हुआ है, क्योंकि कभी कभी एनिमल अटैक्स हो जाता है सफारी में, तो पूरा प्रोटेक्शन के साथ ही लिया जाता है। और ये शानदार सफ़र था हम लोग का, इतना मस्त जो था ना सफ़र, रास्ता भी बहुत अच्छा था, और हिल व्यू भी आ रहा था, साथ में जंगल भी था, तो यहाँ पे बहुत सारा डियर घूम रहा था, और उसको देख के एक्साइटेड हो गया अबीर, सिर्फ डियर डियर बोल रहा था। ये देखो शीतो, ये देखो तुम्हें नीचे रहिए। ओए ओए, ओ मामा ये की गो बोलो लायन। ए ये तो लायन ना, ये डियर। ओ ये टाइगर वगैरह अटैक करता है क्या ये ग्रिल में? हाँ, समटाइम्स करेगा। करता है ना? हाँ करेगा। बाबा हाथी। वन टू ए ए ए इधर की मामा, इधर की। वाह, हाँ तुम्हें कोटा एलिफेंट देखा चो? उसके बाद भी बहुत सारा हाथी था। अभी वो गाइड बता रहे थे कि अभी रिसेंटली एक 5 महीने का भी हाथी है, तो वो देखते देखते हम लोग बियर भी देखने आ गए। देखिए उधर बियर बैठा हुआ है, और एक रास्ते में एकदम बगल में भी बैठा हुआ था। देखिए इधर देखिए कैसे बैठा हुआ है ये आराम से। अभी आ गए जंगल के राजा को देखने, लायन। तो जा रहे हैं अंदर, बहुत सारा था वो गाइड ने बताया। देखिए इधर भी है एक लायन। तो कैमरा में कितना पता चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, बट ये एक्चुअली में बहुत बड़ा था, मतलब आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड, इतना बड़ा था। और एक लायनेस भी थी उधर बैठी हुई थी, तो ये इन लोगों का फैमिली है गाइड जैसे बताया। कैमरा इम्पॉसिबल। ओ देखो शुआ जी, देखो देखो येलो कलर, बोलो लायन स्लीपी, देखते हो तुम्हारा। हाउ आर यू लायन? और कुछ है क्या? तो देखिए इधर मैडम जी सोए हुए हैं, अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं मैडम जी, देखिए कैसे सोए हुए हैं। और तो इसको देख के अबीर ने बहुत बार बोला लायन कम, और ये बहुत एंग्री था, इसको बाहर नहीं छोड़ा जाए। बोलो टाइगर, हाय बोलो दो, हाय बोलो दो एक बार। तो हम लोग का सफारी ड्राइव में ये पोर्शन बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो व्यू हम लोगों को मिला ना इधर से, देख लीजिए, वाव, इट्स जस्ट अ ब्यूटी, मतलब खुश हो गया दिल इसको देख के। सफारी राइड कंप्लीट हो गया, अभी जस्ट सोया, अभी पूरा देख के ही, तो अभी हम लोग फिर लंच कर लेंगे, वो तो दूध पी के ही सोया है, अभी हम लोग लंच कर लेंगे, फिर उसके बाद फिर जब उठेगा तब बटरफ्लाई पार्क जाएंगे। इसी के साथ आ गए हम लोग लंच करने, तो ये इसके अंदर एक रेस्टोरेंट था, हिल व्यू रेस्टोरेंट, तो इसमें हम लोग पहले जब आए थे तब भी खाए थे, बट खाना अच्छा ही मिलता है और रिजनेबल प्राइस में भी मिलता है। तो सोचा कि लंच कर लिया जाए, क्योंकि अबीर तो सो रहा था, इसको गोदी में बिठा सुला के ही हम लोग खाना खा लिए,
और उसके बाद हम लोग जाएंगे बटरफ्लाई पार्क में। खाना लेके बैठ गए, अभी सो रहा है। अभी उसका मम्मी फिर से वही चाइनीज डिश ही मंगाई है, चिकन बिरयानी, फिर मेरा फ्राइड राइस और चिली चिकन। बट पता नहीं ये घास फूस क्यों दिया बिरयानी को, वो भी देखते हैं, खाते हैं। लेट्स एंजॉय द फूड। हम लोग का खाना कंप्लीट हो गया, मतलब लंच। तो अभी रूट रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग अभी फिर बटरफ्लाई पार्क जाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जू में देखना बाकी है, तो वो देख के फिर घर जाएंगे। কত বড় ডাইনোসর আজ গো, আমার ছেলে তো ঘুমোচ্ছে। तो ये और एक कैटेगरी था जहाँ पे टॉट टॉयज, उसके बाद कुछ स्नैक्स भी था। देखिए टॉट टॉयज के बाद किंग कोबरा कैसे आराम से बैठे हैं। तो बेसिकली जू में देखने के लिए बहुत बहुत कुछ है, बट इतना ज़्यादा दिखाते तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो दिखा दिया। और देखिए कैसे गले में मंकी जुला के घूम रहा है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम हाथ में लेके आइएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 घंटा तो लग ही जाता है मतलब घूमने में। अभी हम लोग आ गए बटरफ्लाई पार्क में, तो ये हम लोग का लास्ट है। इसके बाद इसको देख के हम लोग सीधा घर जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एकदम मतलब ख़त्म हो चुके हैं और चलने का शक्ति है ही नहीं। तो अभी जा रहे हैं अंदर, जल्दी से देखेंगे और घर जाएंगे। तो ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस था जू में, जहाँ पे बहुत टाइप का बटरफ्लाई आपके सामने ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में आके ही बैठ जाएगा। बट बटरफ्लाई पार्क में भी आबिर का एक ही देखने का चीज़ था, वो था फिश। अब तो आबिर को इतना सारा चीज़ दिखाया जू में, बट हर वक्त तो मंकी करता रहा, पता नहीं क्यों बाबा। तो हमारा बटरफ्लाई पार्क भी देखना हो गया, तो अभी हम लोग घर जाएंगे। इसमें आबिर को भूख लग गया, अभी मिल्क पी रहा है। तो इसके साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।